विक्रम ने उसे धोखा दिया था। माँ, सोचो विक्रम के ऊपर क्या बीती होगी, उनके अपने छीन के सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन बहुत साहस वाले इंसान है, अपनी सारी जिंदगी अपने जिंदगी के सबसे बड़े काम से उभरने की कोशिश करते हैं। देश छोड़ दिया, अपने आप को दिन रात काम में डुबो दिया। मेरी विक्रम से शादी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी शादी पर, हमारी जिंदगी पर अतीत का साया बना रहा। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कभी पूरे दिल से अपना नहीं पाया। शादी हुई भी तो आधी अधूरी, खुशियां मिली भी तो आधी अधूरी। मॉम संभालिए अपने आप को। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तूने मुझे मिलने बुलाया, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अब के करो आभास, तू तो हाथापाई से बात करे हैं, पर मारे को तो बस सच की भाषा आ गई। ओ फटे ढोल, तेरी ये फालतू बकवास सुनने नहीं आया यहाँ पे, समझा? काम की बात है तो कर, वरना इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो थारे में हिम्मत है सच का सामना करने की? मतलब यो कि थारी माँ से उमड़ गांव में जो हुआ, जिसकी वो जिम्मेदार भी थी, उसने तुम सबसे सब कुछ छुपाया, उसने इतने साल तक तुम सबको बेवकूफ बनाया, और अब तारी बहन अपनी भी वो ही छुपा छुपी का खेल खेल रही है। मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी गाना तो यही गा दूंगा। अरे भाया, यो मैं ना बोल रहा, यो कागज का टुकड़ा बोल रहा। ये मैरिज सर्टिफिकेट राजा अपनी अपनी ऐसा नहीं कर सकती। अरे तो राज को भी के जरूरत ही शादी करने की? राज को दोष देने के पहले अपनी बहन अमड़ी की गलती को देखो। अरे तू तो अमड़ी का भाई है ना, इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले और इस शादी को रद्द कर दे बस। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी करना है अमड़ी के साथ करना, राज को हाथ भी लगाया ना तो। क्यों, क्या करेगा तू? तुम लोगों की औकात अच्छे से जानता हूं मैं। जरूर राज ने मेरी बहन को बहलाया फुसलाया होगा, तू देख, अब देख मैं राज के साथ क्या करता हूं, अब तू देख। अरे बाप जी, यो आभास भी कमाल है, जरा सी हवा दी आग लग गई इसके दिमाग में, इसका गुस्सा खड़ा काम आवेगा। आई लव यू बाप जी। अरे आज की यो रात मारे को उमड़ गांव की वो काली रात की याद दिलावे। परसों परिवार को डाकू इतना बड़ा सदमा लगा अपने परिवार को खो देने का, अपनी आज तक वो दरन को टीने नहीं देता, और आज उन्हें फिर बेइज्जत किया जाता है, धक्के मारे घर से निकाला जाता है। क्यों? अपनी वो मेरे पिता है, गॉड डैमन इट, और तुम्हारे ससुर भी, फिर भी तुमने ये सब होने दिया उनके साथ? मैंने होने दिया? तुम्हें पता भी वो क्या हालात है राज? मेरी माँ सब उनसे गुस्से कोई ऐसे बात नहीं कर रहा, उनकी उनकी जिंदगी जैसे बर्बाद हो गई है राज। तुम अपनी माँ की बात करती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मेरे हमने कितना दर्द सहा है, कितना दुख झेला उन्होंने? उनकी कोई गलती नहीं थी अपनी,
अरे मेरी माँ को शादी की वो सारी खुशियाँ भी नहीं मिली जो वो डिजर्व करती थी, क्योंकि मेरे डैड पर अपने परिवार को खो देने का दर्द इतना हावी था कि वो खुलकर जी नहीं पाए। अवनी, उनका प्यार से विश्वास ही उठ गया। बरसों पहले उमरगा में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें भी पता है राज, तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ भी, उसमें मेरी माँ का क्या दोष है? लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है ना अवनी, उसके लिए सिर्फ तुम्हारी माँ जिम्मेदार है। क्या तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, तुम्हारी माँ अवनी, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा की शादी तोड़ दू और मैं बुरा बन गया, और आज जब मेरे डैड तुम्हारे परिवारों के बीच समझौता करने गए तो वो बुरे बन गए। और आई जस्ट हेट योर फैमिली। किस किस्म के इंसान हो तुम राज, सारे हालात चलते अगर तुम्हारे ये सोचा था। सॉरी, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। अगर यही बात है तो ठीक है, वैसे भी हमारे शादी के बारे में कोई जानता नहीं है। अवनी, मैं तुम्हें शादी से आजाद करता हूं, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। अपनी आज की बार में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। हाँ ठीक कह रहे हो तुम राज, वैसे भी हमें एक दूसरे पर विश्वास ही तो अच्छा है कि हम इस रिश्ते को खत्म कर दें। पता नहीं तुमने मुझे कभी प्यार किया या नहीं, पर एक बात अच्छे से सुन लो, आई डोंट केयर। मेरी गलती, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। माना कि हम हालात का सामना करते करते थक गए थे, लेकिन तुम्हीं ने कहा था ना कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाएगी। सोचा था हम मिलकर दोनों परिवार को एक कर देंगे, कितनी कोशिश की पर सब फेल। और तो दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि गुस्से और नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अब हम दोनों भी हमेशा लड़ते रहते हैं राज। तो क्या फायदा हमारी शादी का, उन सात फेरों का जो हमने लिए थे? क्या साबित करना चाहते थे हम कि हमारा प्यार कितना कमजोर है? अब मैं क्या करूं? राज, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ। पहले जब मेरी शादी तुमसे टूटी थी तो मैंने कैसे भी करके खुद को संभाल लिया था, रुकी तबीयत खराब है। अरे आराम से मां, संभाली। आप ठीक तो है ना? आप जानते हो मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे लिए वही मां रहेंगी जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा करा। आप जानते हो मां, मुझे आज भी आप पर उतना ही नाज और उतना ही भरोसा है जितना कि पहले था। और ये आप ही ने तो सिखाया है कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, बुरे तो बस हालात होते। सब आप ही से सीखा है। और देखना मां, आपका ये बेटा हालात बदल देगा, हमारा ये घर पहले की तरह हंसता खिलखिलाता हो जाएगा, ये वादा करता हूं मैं आपसे। हे गोविंद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, प्लीज कोई संकेत दीजिए कि मैं अपनी शादी, अपने प्यार, अपने परिवार को लेकर क्या करूं।
तेज हवाएं दिए को तो बुझा सकती हैं, पर हमारे मन की शक्ति को नहीं। इसलिए दिया चाहे कितनी बार भी बुझ जाए, हमें उसे दोबारा जलाना चाहिए। तेरी फेवरेट ठीक तेरी खाएगी भी। जानती है ना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तेरे को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, और अब मैं तेरी इन आंसुओं की वजह को मिटाने जा रहा हूँ। उसके बाद तेरी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। ये तूफान आपस में अब तक लौटे नहीं? अवनी, तुमने आवाज को कहीं देखा? वो अपने कमरे में नहीं, इतनी देर हुई अभी तक घर वापस नहीं लौटी। पता नहीं, मैं कॉल करती हूँ। हाँ करो। हेलो, हाँ चिकी। हेलो हेलो आवाज भाई, आप ठीक हो? हाँ चिकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, उनकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ लेकिन वो है कहाँ? पता नहीं, उनका वॉइस मैसेज चेक करो। चिकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दांत से मिलने आया हूँ और उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं सारा झगड़ा खत्म कर दूंगा। ये लड़का भी समझता नहीं, ये रात से क्यों मिलने गया, वो भी अकेले। तो कुछ भी हो रहा है ना अपनी, उसके लिए सिर्फ तुम्हारी माँ जिम्मेदार है। और आई जस्ट हेट योर फैमिली। बहुत गुस्से में, पर आबास भाई वो तो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं, क्या करूं? राज को कॉल करती हूं। ना आबास भाई का फोन लग रहा है ना राज का, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ ऐसा वैसा। क्या बात है आभास, क्या चाहते हो तुम? समझौता राज, मैं समझौता चाहता हूं। समझौता? मैं जानता हूं कि तुमने और अवनी ने शादी कर ली है और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी कोशिश दोनों परिवारों को मिलाने की है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ राज कि इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे परिवारों में जो दूरी आई है उसका जिम्मेदार तू है। तू राज और अपनी को अलग कर रहा है। मैं तेरी जान ले लूंगा विराट। बोल बोल, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोल विराट। जो किया वो इस वास्ते किया, परसों पहले भाणा और विक्रम के बीच जो प्रॉब्लम हुई वो हमारी वजह से हुई, उसमें उनका कोई दोष ना था। तो तेरा राज ना खुले इसलिए तू राज और अपनी को अलग करना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी चल के तेरे को सबके सामने बताना पड़ेगा कि सबका जिम्मेदार तू है। चल
तेज हवाएं दिए को तो बुझा सकती हैं, पर हमारे मन की शक्ति को नहीं। इसलिए दिया चाहे कितनी बार भी बुझ जाए, हमें उसे दोबारा जलाना चाहिए। मेरा भाई बहुत हाइट से गिर गए थे, कंडीशन काफी सीरियस है। मेरा बेटा बचपन से मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, डॉक्टर से बचा जितना भी पैसा होगा डॉक्टर। देखिए, मेरे ख्याल से तो आपको एक बार उससे मिल लेना चाहिए। से बहुत प्यार करता है। तुम्हारे लिए स्पेशल सैंडविच तैयार है। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ हाँ हूँ ना, बहुत ज्यादा खुश हूँ अवनी। देखो ना, इतनी कोशिशें बेकार जाने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आभास सब कुछ ठीक कर देगा अवनी। हाँ राज, आभास भाई ने मुझे भी प्रॉमिस किया कि सब ठीक हो जाएगा। लो ना।
रही है। आभा उठ जा, आभा आभा सर, क्या जवाब दूँ? मैं तो जिंदगी भर से टोकता, मैं अपने बेटे को नालायक कहता, मुझे तो मौका भी नहीं मिला कि मैं अपने बेटे को बता सकूं कि मैं इससे कितना प्यार करता। देख मेरी बदलत, मैं अब इसे कभी नहीं बता पाऊंगा साले। उसके बेटे को बचा दे सावी, तू मुझ पे तू भावना को नहीं, भैया नहीं करना, मुझसे ये नहीं होगा भैया, मैं नहीं बता सकती भाभी को। भाभी ने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, एक माँ को एक खबर मैं नहीं दे सकती प्रताप जी, मुझे बस तो भैया मुझे बस तो, मुझसे नहीं होगा, मुझ पे तीन पत्ते को बोल। प्रताप जी, अच्छा हुआ तो तुम आ गई। पिता ननिहाल कर गए हैं ना, घर संभालने वाला तो कोई नहीं है, और के जी आप बस पे गुस्सा कर रहे हैं, तुम उसके लिए कचौड़ी बनाओगी और तीखी बनाना, उसे बहुत पसंद है। मैं तब तक जुकेर जी से बात करके आती हूँ। सुकेत जी, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन अपना गुस्सा भास पर मत निकालिए। केती प्लीज आभास को कुछ मत कहिए, मैं जानती हूँ कि वो बहुत प्यार करता है आपसे, और इस परिवार और आपके लिए तो वो जान भी दे सकता है। आपने उसे घर से निकाल दिया, बताइए ये, बताइए
रुकी आवाज। जो भी सबूत मिले वो इसी तरह इशारा करता है कि इस खून में राज का ही हाथ है। क्या हो गया? गिरफ्तार कर लीजिए इस इंसान को। He's a bloody murderer। इसने मेरे भाई का खून किया है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।